पीएम उम्मीदवार को लेकर बिहार से लेकर देश तक के सियासी गलियारे में खूब हाइतौबा मचा हुआ है। आखिर 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होंगे? नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर उनकी हैट्रिक पर विरोधी ब्रेक लगाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब भविष्य की गर्त में है। दूसरी ओर पीएम उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार के नाम भी खूब उछाले जा रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी उन पर जोरदार हमले भी कर रही है। उन्हें बीजेपी वाले खूब सुना रहे हैं। वे लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो सियासी गलियारे में मुंगेरी लाल का यह सपना कौन नहीं देखना चाहता है। इसमें लालू यादव भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने तो कह भी दिया था कि प्रधानमंत्री बनने का मन किन्हें नहीं रहता है। दरअसल लालू यादव अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। वे अपने में कोई बात नहीं रखते हैं, इसी वजह से वे सब नेताओं से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं। जब वे सीएम थे तब भी और जब रेल मंत्री थे तब भी वे अपने ठेठ बिहारी अंदाज को लेकर आज भी जाने जाते हैं। लालू यादव भले ही आज बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराकर विदेश से आए हैं, सजायाफ्ता होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जब वे एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तो वे ठेठ बिहारी अंदाज में बोलते थे जो लोगों के सीधे दिल से टकराती थी। आपको याद होगा 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने ठेठ बिहारी अंदाज में प्रचार किया था। उनके गवई अंदाज के युवा पीढ़ी भी कायल है। उनके हाजिर जवाब और मिमिक्री के तो समर्थक दीवाने रहे हैं और आज भी हैं। उनके ठेठ बिहारी अंदाज की काट विरोधियों के पास भी नहीं होती है। 2015 के चुनाव प्रचार में तो लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर लोगों को खूब हंसाया था। उस दौरान लालू यादव का मिमिक्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम प्रधानमंत्री वाला वाक्य बता रहे हैं। यह वाक्य 22 जुलाई 2008 का है। तब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह काबिज थे। इसी दौरान लोकसभा में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से कहा, किसे प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता है, मेरा भी मन करता है, मायावती जी का भी मन करता है, दलित पिछड़े या माइनॉरिटी को कोई प्रधानमंत्री बनने देता है, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। बिना मेल का ब्याह कनपट्टी ले सेनूर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। अभिजात्य वर्ग का जो वर्चस्व देश में है उसमें कोई दलित पिछड़ा या माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? कौन मुलायम, लालू, मायावती या माइनॉरिटी के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनने देता है? बता दें कि उस समय मुलायम सिंह यादव भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। पिछले साल ही 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह का निधन हुआ है। तो ये है लालू यादव, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं और यही वजह है कि पॉलिटिक्स के हाशिए पर रहने के बाद भी उनका जनाधार वोट आज भी उनके साथ है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।